नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी सरसों के खल से जो फर्टिलाइज़र बनता है वो कैसे बनाना है इसकी विधि आपको बताऊंगा। दोस्तों यह फर्टिलाइज़र सभी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम इसे सर्दी गर्मी कभी भी इसे दे सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। इस फर्टिलाइज़र का दोस्तों प्रयोग करने से हमारे सारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और उनकी पत्तियों में एक चमक आ जाती है। इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों हम फ्लावर बूस्टिंग फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। इससे हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें फूल भर भर के गुच्छों में आते हैं। तो दोस्तों ये है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक दोस्तों हम पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे दोस्तों पीसीज में आता है तो पीसीज में भी हम उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। दोस्तों मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में बनाकर ही अपने पौधों में देता हूँ। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए दोस्तों हम सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक लेंगे। यह आसानी से दोस्तों नर्सरी पर या जहाँ पर पशुओं की खल चोकर मिलती है वहाँ आसानी से मिल जाता है और दोस्तों ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 20-25 रुपये पर केजी में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने 8 से 10 पीस बड़े बड़े ये लिए हैं, तकरीबन तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब ये मेरे पीसीस होंगे। ये दोस्तों मैंने एक बकेट में 1 लीटर पानी लिया है। अब इस 1 लीटर पानी में मैं ये अपने जो ये पीसीस है मस्टर्ड केक के, ये इनको 3 से 4 दिन के लिए जो है वो भिगो दूंगा। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए दोस्तों इस केक को आपको 3 से 4 दिन के लिए किसी शेडी प्लेस में रखना होगा और बीच बीच में दोस्तों आप इस फर्टिलाइजर को एक लकड़ी की सहायता से या किसी भी सहायता से ऐसे ऐसे करके चला दीजिए। 3-4 दिन के बाद दोस्तों देखता हूँ ये कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों आज 4 दिन हो चुके हैं, मेरा ये मस्टर्ड केक यानी सरसों की खल का फर्टिलाइजर जो है ये तैयार हो चुका है। दोस्तों अब इस फर्टिलाइजर को मैं थोड़ा सा ऐसे किसी भी चीज़ से हिला लूँगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था अभी मैंने इसमें 1 लीटर पानी लिया था। अब दोस्तों इसे ऐसे ही अपने पौधों को नहीं देना, जितना आपने दोस्तों पानी में ये मस्टर्ड केक को भिगोया है उससे 10 गुना पानी में दोस्तों इस लिक्विड घोल को उसमें ऐड करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया था तो अब मैंने दोस्तों 10 लीटर पानी ले लिया है, इसमें अपना ये फर्टिलाइज़र जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। ये दोस्तों मैंने एक बकेट ली है, इसमें 10 लीटर पानी जो है मैंने दोस्तों भर दिया है। तो अब मैं दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को अपने इस 10 लीटर की बाल्टी में डाल दूंगा और इसे दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा। दोस्तों 3 से 4 दिन यदि फर्टिलाइज़र हम भिगो कर रखते हैं इसमें ना तो कोई बदबू आती है ना ही कोई फंगस लगती है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हम सर्दी में गर्दी में गर्मी हो चाहे कभी भी इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों ये फर्टिलाइज़र जो है मेरा बन चुका है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही लिक्विड फॉर्म में और बहुत ही पतला घोल बना है। ऐसा ही पतला घोल दोस्तों आपने अपने प्लांट्स को देना है। तो दोस्तों ये अब फर्टिलाइजर मेरा बन चुका है, ये मैं अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को दूंगा। ये देखिए दोस्तों मेरा ये फर्टिलाइजर जो है तैयार हो गया है। ये दोस्तों एकदम पतला सा घोल मैंने बनाया है। अब जैसे मेरा दोस्तों ये बोगनवेलिया 12 इंची पॉट में लगा हुआ है तो इसके लिए मैं दोस्तों 1 गिलास ये दे दूंगा अपने इस पोट में। और जैसे दोस्तों मेरा ये जो दूसरा पोट है जिसमें विंका लगा हुआ है ये छोटा है तो उसमें मैं दोस्तों आधा गिलास के करीब ही दूंगा।
यानी 100 100 से 150 ml के करीब आपने छोटे पोट में अपना देना है ऐसे। दोस्तों इसके अलावा मैं अपने सभी आउटडोर प्लांट्स उनको भी ये फर्टिलाइजर देता हूँ, जिससे दोस्तों मेरे सभी प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही हरे रहते हैं, उनमें चमक रहती है। इस फर्टिलाइजर से दोस्तों जो हमारा मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तो होता ही है, साथ में इसमें काफ़ी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे इन पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस फर्टिलाइजर को दोस्तों फ्लावर बूस्टर भी कहा जाता है। इस फर्टिलाइजर को दे के दोस्तों हमारे जो फ्लावर हैं वो अच्छी और अच्छी संख्या में आते हैं और सारा जो हमारा पोट है वो फ्लावरों से भर जाता है। दोस्तों मैं इसको फर्टिलाइजर को 15 दिन में एक बार देता हूँ, और 15 दिन में एक बार दोस्तों मैं बनाना पील फर्टिलाइजर देता हूँ। ये दोनों ही फर्टिलाइजर दोस्तों हमारे आउटडोर प्लांट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है और इन्हें फ्लावर बूस्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।